नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। देश भर में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक बैठकों का दौर चल रहा है, तो दूसरी ओर अब पीएम मोदी के ऐलान के बाद 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। लेकिन इस वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में होने वाले साइड इफेक्ट को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी। ऐसे में आपका जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर बच्चों के वैक्सीन के बाद वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। तीन जनवरी 2022 से देश भर में 15 से 18 साल की आयु के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय है कि पेरेंट्स को इस बात का ख्याल रखना काफी जरूरी है कि वैक्सीन का पहला डोज देने के बाद आपके बच्चे एकदम से कोरोना से सुरक्षित नहीं हो जाएंगे। सच तो ये है कि पहली डोज के 4 वीक बाद सेकेंड डोज लगेगी और उसके भी 4 हफ्ते बाद इम्यूनिटी विकसित होगी और उसके बाद भी पूरी सुरक्षा रखनी काफ़ी ज़रूरी है। वहीं बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और बच्चे वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। इसी बीच पेरेंट्स को भी बच्चों का ख्याल रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह 18 से 60 प्लस के एज ग्रुप के लोगों में वैक्सीनेशन के कुछ संभावित साइड इफ़ेक्ट दिखे थे, हो सकता है वो बच्चों में भी नज़र आए। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हल्के साइड इफ़ेक्ट दिखाते हैं क्योंकि वैक्सीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। लाल निशान और दर्द हाथ में जहाँ पर वैक्सीन लगाई गई है, तो बच्चों को उस जगह पर लाल निशान के साथ दर्द महसूस हो सकता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक वैक्सीनेशन का लाल निशान और दर्द को कम करने में मदद के लिए टीकाकरण वाले एरिया पर एक ठंडा नरम कपड़ा रखना सही रहेगा। साथ ही साथ किशोरों में किसी भी टीके के बाद बेहोशी आना आम बात है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद लगभग 15 मिनट तक बैठना या लेटना बेहोशी को रोकने में मदद कर सकता है। इसी कारण वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीन सेंटर डॉक्टर वैक्सीनेटेड लोगों को थोड़ी देर अपनी देखरेख में रखते हैं। हल्का बुखार स्वास्थ्य विशेषज्ञ और डॉक्टर के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद बच्चों में हल्का बुखार भी देखने को मिल सकता है। वहीं 18 से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को हल्का बुखार आने पर टैबलेट लेने की सलाह दी गई है। लेकिन अगर आपके बच्चे को भी बुखार आया है, तो इसके लिए डॉक्टर की सलाह पर उनके द्वारा बताई हुई मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। थकान और बदन दर्द, वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चों को थकान और बदन दर्द की समस्या भी हो सकती है। अगर आप भी बच्चों में इस तरह के लक्षण देखते हैं, तो घबराने की जगह CDC के बताए मुताबिक आराम करने दें और उन्हें अधिक मात्रा में लिक्विड पदार्थ दें, जिसमें पैग लिक्विड का सेवन से परहेज करना बेहद जरूरी है। वैक्सीनेशन के बाद कुछ बच्चों को चक्कर आ सकते हैं, लेकिन ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा तब होता है जब बच्चे खाली पेट वैक्सीन ले लेते हैं। इसीलिए पेरेंट्स इस बात पर ध्यान दें कि बच्चे खाली पेट वैक्सीन अपने बच्चों को ना लगवाएं। अगर इनके अलावा कोई लक्षण दिखते हैं जो आपको लगते हैं कि माइल्ड नहीं है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।